कैसे हैं आप सभी? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजा अकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑडिटिंग के लेक्चर नंबर 2 की। इससे पहले ऑडिटिंग का हमारा एक लेक्चर आ चुका है, और अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए। उसके अंदर हमने ऑडिटिंग के बेसिक्स की बात की थी, तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आइए देखते हैं ऑडिटिंग के पार्ट 2 की। और ऑडिटिंग की अगर बात करें हम, तो ऑडिटिंग जो है बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्रामिंग, बीबीए, बीजीएमसी, एमकॉम और एमबीए में आने वाला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस पर बीकॉम ऑनर्स में तो अभी एग्ज़ाम्स हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्रामिंग, तो उसमें ऑडिटिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के अंदर जो कोर्स है उसमें तो अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं ऑडिटिंग के बारे में। देखिए, आज हमने बात करनी है ऑडिटिंग की क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया ऑडिटिंग को कितने कितने पार्ट्स में हमने बांट रखा है, ऑडिटिंग को किस किस पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो आइए देखते हैं। देखिए, ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग को मेनली हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है उसके हिसाब से हम ऑडिटिंग को बांटते हैं। मींस हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी फॉर्म में है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट फॉर्म में है, किस फॉर्म में है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंगली हम ऑडिटिंग करते हैं। और दूसरा होता है प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर, कि ऑडिटिंग का जो मेन एम है, जो गोल है, वो क्या है ऑडिटिंग का, अकॉर्डिंगली हम ऑडिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। दूसरा है हमारा प्राइवेट ऑडिट, एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट ऑडिट, फोर्थ इज इंटरनल ऑडिट। तो चार तरह की ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, स्टैट्यूटरी का मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी, यहां पे वर्ड आ रहा है स्टैट्यूटरी का मीनिंग होता है ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, जिसको बनाने के लिए हमने एक स्पेशल एक्ट पास कराया है पार्लियामेंट में, जो बेस्ड होती है एक स्पेशल एक्ट पे, बेस्ड ऑन स्पेशल एक्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल एक्ट पे बेस्ड होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एक स्पेशल एक्ट पे बेस्ड होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या कहलाती है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। आप एग्जांपल दे सकते हैं आरबीआई का अपना एक्ट है, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसका अपना एक्ट है, सेबी का अपना खुद का एक्ट है, और इसी तरीके से कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका अपना खुद का एक्ट है, तो आप कह सकते हैं ऐसी सभी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस। और इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो ऑडिट होती है वो ऑडिट किस प्रकार से होती है, जैसे इस एक्ट में बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली, जैसा आरबी एक्ट में बताया गया है, जैसा डीएमआरसी एक्ट में बताया गया है, जैसा सेबी एक्ट में बताया गया है, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑडिटिंग करवाते हैं। तो आई होप समझ आया कि हमारा जो स्टैट्यूटरी है उसका मीनिंग क्या है। तो आइए देखते हैं, अब आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें इन केस ऑफ मैनी अंडरटेकिंग्स ऑडिट इज मेड कंपलसरी। अच्छा, स्टैट्यूटरी में ऑडिट कंपलसरी है एज पर लॉ, जो लॉ पे बेस्ड होती है। स्टैच्यू का मतलब यहाँ पे लॉ है, बिकॉज दीज अंडरटेकिंग्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय स्टैच्यू। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक लॉ पे बेस्ड होती है, सो ये एक ऑर्गेनाइजेशंस में लॉ के अकॉर्डिंगली कंपलसरी किया गया है कि यहाँ ऑडिट होनी जरूरी है, एंड द ऑडिट ऑफ देयर अकाउंट इज टर्म्ड एज स्टैट्यूटरी ऑडिट। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी लॉ पे बेस्ड होती हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस का जो अगर हम बात करें ऑडिटिंग है वो किस पे बेस्ड होता है, स्टैट्यूटरी पे, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाती है जो ऑडिटिंग होगी डन। सो फॉलोइंग एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले कंपनी ऑडिट में अगर हम बात करें तो ऑडिटिंग की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था, 1913 का एक्ट आया था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, जिसने कंपलसरी किया था कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ऑडिट होना जरूरी है। उसके बाद अभी रिसेंट एक्ट कौन सा चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013, और उसके बाद जितने भी एक्ट आए उनमें अमेंडमेंट करने के बाद ऑडिटिंग को और ज़्यादा इसको बढ़ा दिया गया है। तो ऑडिटिंग का राइट्स, ऑडिटर के राइट्स, ऑडिटर की ड्यूटीज, पावर्स एंड हर एक इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फंक्शनैलिटी ऑडिट में होगी वो बढ़ा दी गई है। तो जितनी भी कंपनीज हैं वो सब लॉ बेस्ड हैं, 2013 के एक्ट के हिसाब से बनती हैं, या प्रीवियस जो जो एक्ट आए उनके हिसाब से, तो उनमें ऑडिटिंग क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाती है जो भी उनमें ऑडिटिंग होगी कंपनीज में। दूसरा है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। देखो, हम सब जानते हैं ट्रस्ट क्या होती है। ट्रस्ट बेसिकली बनती है पब्लिक के बिलीफ पे, पब्लिक के विश्वास पे। अब मान के चलो एक पर्सन है, उसने अपनी सारी जायदाद एक ट्रस्ट को हैंडओवर कर दी। ट्रस्ट का नाम है, सपोज करो ट्रस्ट ए ट्रस्ट। उसने कहा कि मेरे डेथ के बाद, मेरे इंतकाल के बाद मेरी सारी मनी,
मेरा सारा पैसा मेरे बच्चों को दे दिया जाए जब वो 18 साल के होंगे, तब तक वो ट्रस्ट हैंड ओवर करेगी। तो ये ट्रस्ट के पास ऐसे लोगों का पैसा होता है जिन्होंने फेथ करके अपना सारा मनी, सारी रकम आप तक पहुंचाई है। अब ये ट्रस्ट उस पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रहे? इस चीज को चेक करने के लिए क्या करवाई जाती है? ट्रस्ट की ऑडिट करवाई जाती है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ट्रस्ट का, कि ट्रस्ट इस तरह से होती है। ट्रस्ट के कहीं और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो ये आप कहेंगे, ट्रस्ट आर यूजुअली क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ वीक एंड हेल्पलेस पर्सन लाइक विडो, माइनर्स हु आर नॉट इन अ पोजीशन टू हैव एक्सेस टू एंड अंडरस्टैंड द अकाउंट्स ऑफ सच ट्रस्ट। अब जो ये लोग विश्वास करते हैं, इनको नहीं आइडिया कि भैया ट्रस्ट इनके पैसे का यूज कर रही है सही तरीके से या नहीं, या जिन लोगों के लिए बनाया गया उनको आइडिया नहीं है। तो इस चीज की पुष्टि कौन करता है? खुद ऑडिट करने वाले करते हैं। तो इनके लिए ऑडिट कंपलसरी की गई है। देयरफॉर द ट्रस्टीज आर मेड रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी एंड टू मेंटेन अकाउंट। ऐसे में इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस ट्रस्टीज कई बार मेंटेन नहीं करते, तो प्रॉब्लम आ सकती है मिसलीड करने की। अब इनके पैसे का मिसलीड कर सकते हैं ये ट्रस्ट चाहे तो। सो ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए क्या करवाया गया है? ट्रस्ट डीड में बताया गया है कि आपको ट्रस्ट के जो एक्ट बताए गए हैं, इसमें आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो एक्ट है वो है आपका बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। इसमें ये कंपलसरी कर दिया गया है कि ट्रस्ट को क्या करना है, ट्रस्ट को एक क्वालिफाइड ऑडिटर की जो क्वालिफिकेशन, वो आगे पढ़ेंगे हम क्या क्या होती है, सीए होता है, उसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब हम बात करेंगे आगे। तो एक ऑडिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये ट्रस्ट का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, मैंने बता दिया है। तो इसके अंदर आ गई ये ऑडिट फॉर ट्रस्ट। ये हम पढ़ के आ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ ली स्टैचुटरी के अंदर, कंपनीज की और ट्रस्ट की। अब बात करते हैं ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन। अदर इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आ सकते हैं भैया? इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज, जैसे TPDDL, हमारे यहाँ पे टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की आती है बिजली, आपके यहाँ अदानी की आ सकती है। तो इस तरीके से गैस कंपनीज के ट्रस्ट हो सकते हैं, आपके पब्लिक बॉडी जितनी सरकारी कंपनीज हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन, आपका DJB हो गया, दिल्ली जल बोर्ड। इस तरीके से आपको मैंने एग्जांपल दिया था अभी RBI का, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं जिनका अपना अलग एक्ट है, तो उनके भी ऑडिटिंग होने कंपलसरी दिए गए हैं इसी स्टैचुटरी ऑडिट के अंदर। अब आ जाते हैं हमारे प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट वो हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने क्या नाम है, नीड के हिसाब से ऑडिट करवाते हैं, वो सारी इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेट हैंड्स में काम करते हैं उनके ऑडिट्स कहलाते हैं प्राइवेट ऑडिट। तो इंस्टीट्यूशन विच आर इन प्राइवेट इन कैरेक्टर, ये ऑडिटिंग करवाते हैं कुछ क्वालिफाइड ऑडिटर को हायर करके। तो ऐसे ऑडिट होते हैं प्राइवेट ऑडिट, और ये जरूरी नहीं लॉ में करवाने की ये कंपलसरी है, ये आप अपनी संतुष्टि के लिए करवाते हैं। सो ऑडिट ऑफ दी, इसमें आता है सबसे पहला सोल ट्रेडर, एकाकी व्यापार, सिंगल पर्सन का कोई बिजनेस है उसमें ऑडिट होगी तो किस तरह से? तो इसमें अपॉइंट किया जाता है एक ऑडिटर, प्रोप्राइटर जो बिजनेस का मालिक है वो खुद अपॉइंट करवाता है, और उसको राइट्स, ड्यूटीज, नेचर ऑफ वर्क सब वो पर्सन बताता है ऑनर की, किस तरीके से अपने काम करना है। और वो ये संतुष्टि लेना चाहता है कि उसके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज हैं, उसके जो अकाउंटेंट्स हैं, वो ठीक ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो इस चीज की पुष्टि करने के लिए वो क्या करवाता है? ऑडिट करवाता है। तो क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट ने आपको हायर किया, कल को आप ऑडिट करने जाते हैं तो आपको जिस भी दुकानदार ने हायर किया अपने बिजनेस में ऑडिट कराने के लिए, आपको उस दुकानदार, वो आपका क्लाइंट है, को आप रिस्पॉन्सिबल हैं आप उसके लिए, और कोई भी नेग्लिजेंस कुछ भी होगी आपको एग्रीमेंट में वो बतानी है, और उसके हिसाब से आपने अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करके चलना है। इसके लिए ऑब्वियसली ऑडिटर एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं। अगला है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम दुकानें ही होती हैं छोटी छोटी, पार्टनरशिप जो आपके फर्म्स होते हैं, पार्टनर्स मिलके काम करते हैं, अगर ऑब्वियसली वो पूरा टाइम नहीं दे पाते, उनको लगता है कि उनके बिजनेस में कोई एम्प्लॉई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, तो वो भी इस तरीके से ऑडिट करवाते हैं जैसा प्राइवेट जो है ट्रेडर के केस में है। बट दोनों में फर्क क्या है? यहाँ ट्रेडर है सोल ट्रेडर, एकाकी व्यापार है, यहाँ पे साझेदारी का व्यवसाय है, पार्टनरशिप बिजनेस है। एंड ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अदर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। अदर इंडिविजुअल में आ गए एस्टेट मैनेजर्स, जो बड़ी बड़ी जायदाद के ऑनर होते हैं वो अपने ऑडिटिंग करवाते हैं। इस तरीके से रेंट कलेक्टर्स हो गए, अब उनकी कईयों का काम ही है कि भैया रेंट पे उन्होंने दाल रोटी उनकी चल रही है, उनके दुनिया भर के क्या नाम है एम्प्लॉयज़ हैं जिनके जिनका काम है कि रेंट कलेक्ट करके अपने मालिक तक पहुंचाना। तो ऑब्वियसली कई बार एम्प्लॉयज़ धोखाधड़ी कर लेते हैं, ऐसे में वो लोग क्या करवाते हैं अपने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में ऑडिट करवाते हैं। ऑब्वियसली इनकी इनकम भी बड़े लेवल पे होती है, खर्चे भी बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, तो उस चीज़ को वेरीफाई कराने के लिए ऑडिट करवाते हैं अपने मन की तसल्ली के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे आके क्या हो गया, प्राइवेट ऑडिट भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑडिट की तरफ। भैया नाम से पता लग रहा है गवर्नमेंट, जिस जो जो देखो आप में से मेरा लेक्चर देखने वाले जो जो हो सकता है कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, ज्यादा कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, और कम जो होंगे वो कौन से होंगे, हमारे साइंस बैकग्राउंड के। तो देखिए
कॉमर्स बैकग्राउंड की अगर बात करें तो मैक्सिमम लोग हमारे होंगे जो 11th क्लास में बिजनेस स्टडी पढ़ के आए हैं, उनको पता है गवर्नमेंट का मतलब, गवर्नमेंट कंपनीज का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा स्टेक होता है। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, अब आप सब भी समझ लीजिए जो साइंस बैकग्राउंड से है प्लीज, गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक 51% या उससे ज्यादा होता है। दोज कंपनीज आर ट्रीटेड एज गवर्नमेंट कंपनीज। 51% स्टेक से ज्यादा अगर आपका है किसी कंपनी में पैसा लगा हुआ, सरकार का लगा हुआ है, वो सरकार कौन सी हो फर्क नहीं पड़ता, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, समझ रहे हो मेरी बात का मतलब। तो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का जिस कंपनी में 51% या उससे ज्यादा का स्टेक होगा, पैसा लगा होगा, वो गवर्नमेंट कंपनी, और ऐसी कंपनी की सारी ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिट। अब इसमें खास बात समझने वाली क्या है, इनकी ऑडिट के लिए कोई ऐसा नहीं है कोई भी सीए हायर कर लो, नहीं, इनकी ऑडिट के लिए एक संस्था का गठन किया गया है जिसका नाम है सीएजी। सीएजी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आई थिंक आप सबने, अगर थोड़ा बहुत आप न्यूज से लिंक्ड हैं, तो 2G स्पेक्ट्रम का जो घोटाला हुआ था उस घोटाले के अंदर ये सीएजी का काफी बड़ा रोल था। ऑडिट के दौरान सीएजी ने जब ऑडिट करी तो पकड़ा गया कि काफी बड़ा घोटाला हुआ है, सीएजी की इस ऑडिट के द्वारा ही पकड़ा गया था। ऑडिट से बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं। सीएजी की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट जी। ऑडिटर कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं है ये, एन नहीं है ये, एम ही है, गलती नहीं हुई है, बिल्कुल करेक्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको असाइन किया जाता है ऑडिट के लिए। और ये लोग आके ऑडिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, ये ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चेक करते हैं अकॉर्डिंगली, फिर ऑडिट करके बताते हैं। और गवर्नमेंट ऑडिट के बाद अगला ऑडिट आता है हमारा इंटरनल ऑडिट। अच्छा, इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया भर के एम्प्लॉयज होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। अब दुनिया भर के एम्प्लॉयज होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं एम्प्लॉयज बता सकते हैं? अकाउंटेंट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, और भी आपके क्या नाम है, अगर हम बात करें फाइनेंस हैंडल करने वाले होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं। तो भैया ऐसा है, देखिए आप क्या करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे फाइनेंसर को हायर करने के लिए आपने सीए पकड़ लिया, और लॉ आपके मैटर्स को हायर करने के लिए आपने एक सीएस को जॉब दे दी, परमानेंट सीए, परमानेंट सीएस लोग रखते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसे लोग परमानेंट ऑडिटर भी रखते हैं। ऑडिटर भी परमानेंट रहता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ऑफ कोर्स वो छोटी मोटी दुकानें तो नहीं हो सकती, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जब आप परमानेंट ऑडिटर को ही अपने बिजनेस में रखते हो जॉब के ऊपर, और वो फिर उसका काम बन जाता है कि वो पूरे साल इस काम को देखे, इस चीज को संतुष्ट करके चले, इस चीज के ऊपर पुष्टि करके चले कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई गड़बड़ है हो तो नहीं रही, तो वो रेगुलर बेसिस पे ऑडिट करता है, एक इंटरनल ऑडिटर। तो आपकी कंपनी में अगर कोई वैकेंट पोस्ट है जिसपे ऑडिटर परमानेंटली ही हायर्ड है, तो वो तो ऑब्वियसली ऑडिट जो करेगा वो कंपनी का इंटरनल बंदा होगा, तो ऐसी ऑडिट कहलाती है इंटरनल ऑडिट, जो आपके खुद के कंपनी के इंटरनल पर्सन द्वारा की जाती है। क्योंकि आमतौर पर ऑडिट करने वाला बंदा बाहर से हायर होता है, बट आपकी कंपनी में जो परमानेंटली हायर्ड है अब वो ऑडिट कर रहा है, वो ऑब्वियसली साल में कई बार करेगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि भैया आपको मैंने बताया ना, आपको पता लगता रहे हाँ भाई कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही, तो उस चीज के लिए तो परमानेंट हायर करके चलती हैं बहुत सारी संस्थाएं। सो वही वो दारा कह रहा है, आइए देखते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, कुछ बिजनेसेस अपॉइंट करते हैं ऑडिटर जो कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते हैं, रेगुलरली रिव्यू करते हैं अकाउंट्स को। ऐसे ऑडिटर परमानेंट होते हैं, मैंने बताया आपको, प्रॉपर सैलरी लेते हैं, तो ये चेक करके चलते हैं, और इनकी रिपोर्ट देना इनको जरूरी होता है अपने जो भी सीनियर है इनके ऊपर। एंड दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज पब्लिक ऑडिटर, क्योंकि ये इंटरनल पर्सन है, बाहर का कोई बंदा हायर नहीं करेगा, तो खुद कंपनी का मालिक ही हायर करता है। सो इन शॉर्ट इंटरनल ऑडिट क्या हो गई? बुक्स की एग्जामिनेशन हो गई, जिसके अंदर आप सैलरी पे एक नॉर्मल एक पर्सन, जैसे आप बाकी इंप्लॉय हायर करते हैं, ऐसे ही आप परमानेंट थ्रू आउट द ईयर एक ऑडिटर हायर करके चलते हैं। और इसका जो स्कोप होता है वो एक डिफरेंट होता है, ये क्लोजली रिलेट करता है मैनेजरियल फंक्शंस को, ये बिल्कुल एक एक चीज पे वॉच करता है, इट इज लाइक अ वॉच डॉग, इंटरनल ऑडिटर इज लाइक अ वॉच डॉग। तो ये तो हुई बात हमारी कौन सी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट की, कौन सी, स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ऑडिट को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास इस तरीके से 8 तरह के ऑडिट हैं जो हमारे अकॉर्डिंगली इसमें डिवाइडेड किए गए हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला, ऑल दोज फॉर्म इन विच ऑडिट इज ऑफन कंडक्टेड प्रैक्टिकली, जो बिजनेस में हर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से ऑडिट करवाता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि भाई एक ऑडिट का एक ऑब्जेक्टिव है, हर ऑडिट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, मोर और लेस ऑब्जेक्टिव ठीक है, वेरीफाई करना होता है अकाउंट्स को, कोई गड़बड़ है वो पहचानना है, बट उसके अलावा एक बड़ा ऑब्जेक्टिव और भी होता है। तो वो क्या है? वो चीज होती है आपकी, जब एक ऑब्जेक्टिव लेकर ऑडिट करवाई जाती है उसे कहते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कराई गई ऑडिट।
ये मेरे दोस्तों बिल्कुल आपके कोर्स के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। अगर आपका मैं बात करूँ एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो को पूरा देख लेना एंड तक, और ये एज इट इज क्वेश्चन उठकर आएगा, मैं आपको ये भी बता दूँ, और बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से है ये। तो देखते हैं 8 तरह की ऑडिट देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है कंटिन्यूअस ऑडिट या डिटेल्ड ऑडिट। तो आइए देखते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट कौन सी होती है, नाम में आपको यहाँ पता लग रहा है कंटिन्यूअस ऑडिट। तो इसमें ऑडिटर स्टाफ को ऑक्यूपाई कराया जाता है कंटिन्यूअस बेसिस पे, जो पूरे साल में एक राउंड बेसिस पे आएगा ऑडिटिंग के, मतलब एक इंटरवल में आएगा। ऑब्वियसली 3-3 महीने के गैप में आ सकता है, हो सकता है 6-6 महीने के गैप में आए, बट उसके आने का टेन्योर फिक्स होता है। और वो आके क्या करता है, ऑडिट करेंसी चेक करता है, मींस ऑडिटिंग की सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेक करता है। एंड ऐसी ऑडिट जो वो करता है, इसमें वो सारे एफर्ट देगा जिसके अंदर वो सारे पिन पॉइंट्स क्लियर करके आपको बताएगा कि कहाँ गड़बड़ है कहाँ नहीं है। हालांकि इसके कुछ कमियां हैं, बट अगर हम बात करें कंटिन्यूअस ऑडिट की, तो कंटिन्यूअस ऑडिट कम से कम एक फिक्स पीरियड में होती है, तो एक कंट्रोलिंग बनी रहती है, एक डर बना रहता है एम्प्लॉइज को कि चल यार ऑडिट होगी अगले 3 महीने बाद, तो हम कोई काम गड़बड़ ना करें। होता क्या है भैया, आपने साल में एक बार ऑडिट करा दी, ठीक है, तो उससे पहले पहले आपके जो इंटरनल स्टाफ है वो आपस में अगर मिला हुआ है तो वो क्या करेगा, आपके अकाउंट्स चमका के रख देगा अच्छे से। लेकिन पूरे पता है पूरे साल में फिर से कुछ होना नहीं, तो पूरे साल में गड़बड़ करी और फिर आखिरी में आके आपने सब चीजें विंडो ड्रेस कर दी। विंडो ड्रेस का मतलब पता है ना, चीजें छुपाना, गलत तरीके से दिखाना, असली पोजीशन छुपा के रॉन्ग पोजीशन को दिखाना सामने, तो ये चीज होती है। लेकिन अगर यही कंटिन्यूअस ऑडिट होगी तो ये चीज कर पाना मुश्किल बन जाता है। सो एक कंटिन्यूअस ऑडिट में इन्वॉल्व होता है ऑडिट के टास्क को कंडक्ट करना थ्रू आउट ईयर, एक रेगुलर इंटरवल फिक्स टाइम पीरियड पे, से मे बी महीना, 1 महीना या 3 महीने का आपका, या हाफ ईयरली का। और ऐसी ऑडिट जरूरी होती है बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेज में, रिलायंस, टाटा, ऐसे बिजनेसेस में बहुत जरूरी होती है और होती भी है उसमें। सो इन केस ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस कंसर्न, इन पे एप्लीकेबल होती हैं, ये हर बिजनेस में नहीं होती, कराने को आप कुछ भी कराओ, आपकी दुकान है जो मर्जी करो, लेकिन इन बिजनेसेस में कंपलसरी है। पहला टाइप ऑफ बिजनेस जहाँ पे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ बैंक्स, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के जस्ट तुरंत बाद आपको अपने अकाउंट्स रिवील करने होते हैं, जैसे बैंक्स हो गए। उसी के अलावा अगर हम बात करें ऐसे ट्रांजेक्शन्स जहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ आपके लिए ज़रूरी है। और ऐसा जहाँ पे इंटरनल चेक सही सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं दे पाता, ऑब्वियसली इंटरनल बंदा मैंने बताया उसको खिला पिला के सारी संस्था क्या करेगी, अपनी तरफ ले लेगी, तो वो भी आपके बिजनेस में अच्छी अच्छी बातें ही लिखेगा, अंदर की कमियां दिखाएगा नहीं, तो वहां आपको लगता है कराना ऑडिट जरूरी बन जाता है। अब आप सब इशारा समझ रहे हो सरकारी कंपनियां है ना, तो वहां जरूरी है। वेयर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी मंथ एंड क्वार्टर टू बी प्रेजेंटेड, कई बिजनेसेस में क्वार्टरली आपको अपनी रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स, बाई एनुअल रिपोर्ट्स, आपका सेमी एनुअल रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी होती है, तो उनकी ऑडिट करने के बाद ही आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वेयर सेल्स अफेक्टेड एट वेरी लार्ज, यानी कि सेल्स बहुत बड़े लेवल पर है, वहाँ पे भी ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इसके काफ़ी फायदे हैं, क्या फ़ायदा है, आप क्विक डिस्कवरी एरर्स की कर सकते हो, क्यों, वो बंदा कंटिन्यूअस टच में है भाई, जो पर्सन कंटिन्यूअस टच में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, वो ऐसा नहीं है कि साल में आ रहा है ईद का चांद बनकर, नहीं, वो आ रहा है साल में कई बार लगातार और एक एक इंटरवल के बाद, तो उसे पता है हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो गलतियाँ तुरंत पता लगा लेगा। उसके अलावा हेल्प द ऑडिटर इन मेकिंग वैल्यूएबल सजेशंस सिंस दी ऑडिटर रिमेन मोर इन टच विद दी बिजनेस, तो ऐसे में क्या करता है वो आपको हेल्प करके बताएगा कि अगर आप और अच्छा कर सकेंगे अपने बिजनेस में तो वो क्या है, क्योंकि वो तो टच में है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो मालिक को बता सकता है ना, अपने क्लाइंट को बता सकता है कि सरकार आप ये काम करो वो काम करो जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से उभरेगी। थर्ड है क्विक प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, वो ईजिली प्रेजेंट कर लेगा सारे अकाउंट्स और ईजिली उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, क्यों, क्योंकि वो तो टच में है, नहीं तो नया बंदा आता है तो उसको 2 दिन तो ये जानने में लग जाते हैं कि भैया अकाउंट्स क्या हैं, कैसे हैं, किस बेसिस पे बन रहे हैं। कीप्स द क्लाइंट स्टाफ रेगुलर, वो टच में रहता है रेगुलर स्टाफ के, तो ऐसे में वो अच्छे से अप टू डेट रहता है स्टाफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मोर चेक, ये चेक है, चीक नहीं है, माफी चाहता हूँ, ये चीक नहीं है, ये चेक है, CHECK होना था, ये मैं खुद टाइप करता हूँ फ्रेंड्स, तभी काफ़ी मेहनत लगती है एक एक लेक्चर को बनाने में, ये मेरा खुद का टाइपिंग किया हुआ होता है, आप देख सकते हो 7 पेजेस हैं, मैंने एक एक पेज को अपने हाथ से टाइप किया है। उसके अलावा मेरे को अपनी ट्यूशंस देनी होती हैं, उसके अलावा मेरा एक कुकिंग चैनल भी है, जी हाँ कुकिंग चैनल है मेरा, तो मैं खाना भी बनाता हूँ, मेरा काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है खाना बनाने में, तो कुकिंग क्राउन के नाम से वो चैनल है, आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा, फीचर्ड कर रखा है मैंने, आप देखेंगे तो फीचर्ड की मेरी लिस्ट में वो चैनल आपको नज़र आएगा, तो प्लीज़ वहाँ मैं अच्छे अच्छे डिशेस आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो प्लीज़ जिसको खाना बनाना चाहते हैं, जिनको नहीं आता बनाना, तो वहाँ से वो सीख सकते हैं। वेल आगे बात करते हैं, ये चेक लिखा है मेरे दोस्तों, प्लीज़ आप इसे ध्यान रखिएगा। तो मोरल चेक ऑन द क्लाइंट स्टाफ,
अगर ऑडिटर की बात करें तो ऑब्वियसली वो कभी कभी सरप्राइज विजिट भी कर देता है, तो ऐसे में क्या होता है, एक काइंड ऑफ क्लर्क जितने भी आप अकाउंट्स बनाने वाले हैं उनका हमेशा ये रहता है कि यार कभी भी एक सरप्राइज विजिट हो सकती है, तो वो इंटरनली माइंड में ये बात लेके चलते हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि हर 3 महीने में, 2 महीने में, महीने में एक आध बार वो आ जाएगा मुंह उठा के ऑडिटर और काम हो जाएगा खराब। तो गड़बड़ ऑटोमेटिकली वैसे ही नहीं होती, मोरली वो सब चीज़ें सही चलती हैं। एफिशिएंट ऑडिट, ऑडिट काफ़ी अच्छे से हो पाती है। देखो हर चीज़, टाइम बच गया, कॉस्ट बच गई, तो ऑडिट होने में एफिशिएंसी आएगी नहीं आएगी। और जो मेरे साइंस बैकग्राउंड से जिनको नहीं पता एफिशिएंसी का मतलब, एफिशिएंसी का मतलब है कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, माफी चाहता हूँ, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन होगी क्योंकि टाइम बचता है भैया, तो पैसा भी बचेगा उससे। प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम ऑडिट्स, अब देखो इंटरिम ऑडिट्स होती हैं कंपनीज को खास तौर पे ये साल के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं उनके लिए जरूरी होता है, उनको इंटरिम ऑडिट। इंटरिम मतलब बीच में। डिविडेंड दो तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, एक तो कंपनीज का जब फाइनल अकाउंट्स बनता है और वो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं कंपनी के अकाउंट्स के बाद, और कई बार कंपनी को बीच में मोटी कमाई हो गई तो उन्होंने बीच में ही डिक्लेयर कर दिया जी हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। ऐसे में कंपनीज क्या करती हैं, ऐसे में कंपनीज बेसिकली इंटरिम ऑडिट करवा के चलती हैं, तो वो ऑडिट कहलाई आपकी इंटरिम ऑडिट, इंटरिम डिविडेंड देने से पहले। और लास्ट है ऑडिट स्टाफ कैन बी केप्ट बिजी, इससे ऑडिट स्टाफ हमेशा बिजी रहता है और वो हमेशा काम करता रहता है थ्रू आउट द ईयर। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए ऑल्टरेशन ऑफ फिगर्स, क्यों, क्योंकि देखिए फिगर्स जो होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हैव ऑलरेडी बीन चेक्ड बाय द ऑडिटर एट प्रीवियस विजिट। अब होगा क्या, इट मे बी ऑल्टर्ड बाय डिसऑनेस्ट क्लर्क, वो क्या करेगा इसे ऑल्टर कर देगा, क्योंकि भैया उसे पता है कि अगली बार वो आएगा, उसे मालूम है उसने ये वाली फिगर्स देखी हैं, तो वो ऑल्टर करके अगली बार आपको प्रेजेंट करा देगा, क्योंकि उसको पता ना कि अगली बार वो आएगा तो वो पहले आके वो चीज़ देखेगा, तो पहले मैं इस चीज़ को सुधार दूँ, तो वो गलती को जानबूझ के सुधार के रखेगा। ऐसी सही तरीके से नहीं भी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करके वही बात आ गई ना, विंडो ड्रेस कर देगा, 2-3 दिन 4 दिन की विजिट होनी है, 4 दिन बाद फिर 3 महीने बाद मुंह उठा के आना है उसने, तब तक के लिए वो अकाउंट्स में छेड़ाखानी कर लेगा जो अकाउंटेंट है, और ऑडिटर की आंख में धूल झोंक देगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा डिसलोकेशन ऑफ क्लाइंट वर्क, अगर मान लो क्लाइंट का जो काम है या कोई प्लेस है वो डिसलोकेट हो गई या जिस प्लेसेस पे वो काम कर रहा था, तो ऐसे ऑडिटर को भी दिक्कत होती है, क्लाइंट को भी दिक्कत होती है। मान लो स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बिजनेस क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, अब ऑडिटर का रेगुलर आना जरूरी तो है ना, क्योंकि कंटिन्यूस ऑडिट की बात है, बट आने में वो कन्वीनियंट दिखाएगा, जहां पहले उसी स्टेट में बिजनेस था तो वो इजिली आ जाता था, अब आने में थोड़ा सा नखरे करेगा, एक्सपेंसिव हो जाता है, क्यों, क्योंकि पूरे साल आना और साल में एक बार आना, आप समझ सकती हो कि ये उस हिसाब से खर्चा भी मांगेगा। क्वायरीज में रिमेन आउटस्टैंडिंग, कई बार क्या होता है पिछली विजिट में मैं आया, मैंने बोला ये चीज़ें सॉल्व करके रखना, अगली विजिट हो गई मेरी, अभी तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं हुई। एज अ टीचर हम भी अपने स्टूडेंट्स को कितनी बार बोलते हैं भाई ये होमवर्क नेक्स्ट क्लास तक करके आना, बच्चे नहीं करते, क्या करें, अगली क्लास में नया टॉपिक कराना पड़ता है बड़े दिल पे पत्थर रख के, हमें भी पता होता है कि इनका पुराना काम पेंडिंग पड़ा है, आगे नया काम करा रहे हैं, इनको तकलीफ होगी बाद में, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, समझते नहीं है, तो वही है ना, ऐसे ऑडिटर का भी दिल पत्थर बन जाता है, वो क्या करेगा, अब मजबूरी है, उसको भी कमाना है, वो क्या करेगा, वो आगे ऑडिट फ्रेश ऑडिट कर देगा, पुरानी गलतियां सुधरी नहीं, नई गलतियां निकाल रहे हो, ऑब्वियसली इसको स्टाफ का सपोर्ट नहीं मिल रहा तब ऐसी दिक्कत आई है, समझ रहे हो, पुराने गलतियां तक सुधरी नहीं है, और मैकेनिकल काम बड़ा मैकेनिकल का सा हो जाता है और बोर्डम हो जाता है, तो ये खैर एक सिचुएशन बनी जाती है जब आप एक ही काम को रेगुलर करते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस से कैसे बचा जाता है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर, तो इसके लिए ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली इसकी कमियां दूर कैसे करोगे, इसकी कमियों को सुधार के, पहला ऑडिटर शुड इशू क्लियर इंस्ट्रक्शन टू इफेक्ट दैट ऑडिटेड फिगर शुड नॉट बी चेंज्ड। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ऑडिट को जो ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको हम क्या कर रहे थे बीच में इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर कर देते थे, तो ऑडिटर क्लियर इंस्ट्रक्शन देगी इस इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर ना करना, समझ रहे हो, नहीं तो वो गलतियां फिर छुप जाएंगी। ही शुड ट्राई टू चेक द अकाउंट ऑफ सिमिलर नेचर इन वन एंड कंटिन्यूस सिटिंग एज फार एज पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल ही शुड चेक द ट्रांजेक्शन अप टू अ पर्टिकुलर डेट। क्या मतलब, मतलब ये कि वो ये चीज पे एफर्ट लगाए कि जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रीवियसली चेक करी उसी के अकॉर्डिंगली वो आगे अपनी इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यूसली क्या करे, वहीं से शुरुआत करे और आगे स्टार्ट करे वहीं से चेकिंग करना, समझ रहे हो। ही शुड ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ टोटल बैलेंसेस, ताकि कोई गड़बड़ हुई है तो वो अगली विजिट में आके सुधार सके, ये ना हो कि एक नई शुरुआत करे ऐसे तो वो इसी वेब में फंस के रह जाएगा। ऑडिटर शुड प्रिपेयर एन एग्जॉस्टिव प्रोग्राम, देखो कोई भी आप ऑडिटिंग करने जाते हो ये आपके लिए हमेशा सजेस्टेबल होता है कि आप अपने क्लाइंट की जो जो कमियां हैं उससे पहले कि कहां कहां कमियां, उसके लिए पूरा प्रोग्राम बना के चलें, एक पूरा प्लान तैयार करके चलें, ऑडिट प्लान अभी पढ़ेंगे हम आगे, हमारे इस लेक्चर का आगे कल चल के आएगा टॉपिक ये, तो इसमें आपको पता रहता है कि कोई ना कोई गड़बड़ अगर होगी तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो आप एक प्लान बनाते हैं तो कोई चीज़ छूटती भी नहीं है जो एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है।
उसके अलावा आप एक्सप्लेनेशन दें जहां आपको लगता है कि अनसेटिस्फैक्टरी इफेक्ट है, आप उसमें एफर्ट करके उसे ठीक करें और वहां पे अपनी एक्सप्लेनेशन दें कि कहां कमी है। उसके अलावा ही शुड गो थ्रू दी पास्ट वर्क एंड ऑल्ट्रेशन, वो देखे कि कोई ना कोई कमी अगर पास्ट में रही है तो उसके बारे में भी बताए अपने क्लाइंट को, और चेक करे कोई इंपर्सनल इफेक्ट्स अकाउंट्स के अंदर तो नहीं दिखाए गए, मतलब अगर कोई बायसनेस है, कोई जानबूझ के झूठे इफेक्ट दिखाए हुए हैं तो उसको भी चेक करे, और स्पेशल टिक्स जहां जहां लगता है उसको कि गड़बड़ हुई है वहां पे वो रेड पेन से मार्क कर दे, ऐसे सर्कल मार्क कर दे कि भैया यहाँ यहाँ ये फलानी दिक्कत हुई है, इस चीज़ को ठीक करना है आपने, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, ऐसे करके जब आप इस तरह से कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कमी सामने इजीली आ जाती है। एंड ही शुड पे सरप्राइज विजिट, ताकि ऑडिटर जो हो, ऑडिटर के आने पे अकाउंटेंट हमेशा एक वो रहें सरप्राइज के लिए तैयार रहें, इनसे उनके मन में डर बना रहे कि हाँ भाई कभी भी हो सकती है सरप्राइज ऑडिट, बच के रहो, तरीके से काम करो एंड ऑल। सो दिस इज समथिंग वी कॉल्ड कंटिन्यूअस ऑडिट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंटिन्यूअस ऑडिट। और आप वीडियो देख रहे हैं मेरी तरुण नेजा क्लासेस पे, वेल ऑडिटिंग की दूसरी वीडियो है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तरुण नेजा क्लासेस मेरा चैनल है यूट्यूब पर, मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए कंटिन्यूस बनाता रहता हूँ। आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन को, जो चैनल के साथ बेल आइकन आता है उसे हिट करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन जिससे आपको रेगुलर मिले, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। वेल टच बनाने से बनता है दोस्तों, तो टच में रहिए, ज़्यादा अच्छे अच्छे अगर आपको ऐसे कंटेंट और चाहिए तो। वेल पीरियोडिकल और फाइनल ऑडिट या फिर कंप्लीट ऑडिट की बात करते हैं, दैट सिस्टम क्या कह रहा है, पहले तो देखो फाइनल ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है फाइनल ऑडिट, जो साल के आखिरी में ऑडिट कंसर्न की जाती है, आखिरी में ऑडिट होती है, इसमें आप ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट्स जो बनते हैं, और यार जो मेरे साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनको भी पता होगा कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उन्होंने भी फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट खासतौर पर बनाई जाती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट की ऑडिट जो की जाती है वो होती है आपकी फाइनल ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैं समझता हूँ। तो इस सिस्टम में आप क्या करते हैं, ऑडिटर सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता है, खासतौर पर ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट, और वो फाइनल ऑडिट करता है और एक कंक्लूजन निकालता है कि एक कंटिन्यूसली, एक कंटिन्यूस सेशन के दौरान आता है वो, ऑब्वियसली एक हफ्ते की भी चल सकती है ये, चार दिन से एक हफ्ता, और कई बार ऐसा होता है एक हफ्ते से लेके ये ऑडिट चार चार हफ्ते तक चलती है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, तो उसके हिसाब से वो अपना कंक्लूजन बना के ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके देता है। तो ऑफकोर्स ये बड़ी बड़ी कंपनीज में फाइनल ऑडिट होना कंपलसरी रखवाया गया है, तो बेसिकली इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि ये फाइनल अकाउंट्स की ऑडिटिंग के लिए की जाती है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ये हैं इसके कि इस ऑडिट के अंदर डज नॉट प्रेजेंट एनी इनकन्वीनियंट और डिसलोकेशन, काम का कोई इनकन्वीनियंट होता नहीं क्योंकि सारे डेटा तो बनी चुके होते हैं, तो इजीली ऑडिट हो जाती है, लेस एक्सपेंसिव है, छोटे बिजनेस इसके लिए ठीक है, एक ही बारी तो करवानी है, ये थोड़ी है कि कंटिन्यूस में बार बार आ रहे हैं। और उसके अलावा पीरियोडिकल ऑडिट जो होती है इसके अंदर ऑडिटर अपना क्विकली काम खत्म कर लेता है, इवन टाइम पर, क्यों, क्योंकि सारे डेटा बन चुके हैं, तब तक अकाउंटेंट ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। एंड ऑडिट वर्क डज नॉट बिकम मैकेनिकल, मैकेनिकल नहीं होता, क्योंकि वहां तो आपको था ना कि यार रेगुलर आना है, यहां पे आपको सिर्फ साल में एक बार आना है, और कोई कोल्यूजन, कोई गड़बड़ नहीं होती क्योंकि अकाउंटेंट अपना काम कर चुके हैं। कल को क्या है कि कंटिन्यूस ऑडिट में आप ऑडिटर कुछ ब्लेम नहीं लगा सकता किसी पे, वो ये बोल देगा जिस पे ब्लेम लगा रहा है बंदा, ये बोलने वाला बन सकता है यार अभी तो आप सब साल के बीच में आए हो, अभी तो हमने ये चीज़ करनी है या कुछ है, हालांकि उसने ना करनी हो, मन में उसके चोर हो, बट यहाँ पे क्या है, वो ये ब्लेम ऐसी जो कोल्यूजन की बात है, कोल्यूजन मतलब आपस में बात ना मैचअप होना, यहाँ ऑडिटर कोई बात बोलेगा तो उनको माननी पड़ेगी, क्लर्क्स को जिनके ऊपर ऑडिटिंग हुई है, क्योंकि अब कोई स्कोप है नहीं, अकाउंटेंट तो बन चुके हैं, अकाउंट्स तो बन चुके हैं सारे। सो पीरियोडिकल ऑडिट के कुछ कमियां भी हैं, डिटेल चेकिंग पॉसिबल नहीं है, जैसा ऑब्वियसली साल में चार बार आके कोई ऑडिटर आके चेकिंग करे और एक बार आके करे, फर्क तो पड़ जाता है ना, तो एरर और फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना टच में नहीं रहता ऑडिटर। और उसके अलावा ऐसी ऑडिट जो होती है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी समय ले जाती है, मैंने आपको बताया चार चार हफ्ते काफ़ी समय होता है, डिले हो जाता है काफ़ी, और फाइनल अकाउंट डिक्लेयर करने में बहुत टाइम लग जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज का, खास तौर पे टाइम इसीलिए लगता है कि उनकी बुक्स अभी तक ऑडिट ही नहीं हुई होती, ये बिल्कुल सच बात है। अच्छा कुछ फर्क है क्या कंटिन्यूस ऑडिट और फाइनल ऑडिट में, क्यों नहीं है फर्क, बहुत फर्क है। कंटिन्यूस ऑडिट में तो देखो ऑडिटर और स्टाफ आपस में अकाउंटिंग चेक करते हैं रेगुलर इंटरवल बेसिस पे, जबकि यहाँ क्या है सीधा फाइनल अकाउंट्स के बनाते टाइम आना है, बनते टाइम आना है, यानी कि साल के आखिरी में, तो ये एक सबसे बड़ा फर्क है। दूसरा, यहाँ साथ साथ गलतियाँ दूर होती रहती हैं, यहाँ पे गलतियाँ सीधा लास्ट में दूर होंगी तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है ये। और तीसरा जो इसके अंदर आपका डिफरेंस आता है, इट इज़ कमेंस्ड, कंटिन्यूस ऑडिट इज कमेंस्ड एंड कैरिड ऑन बिफोर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल पीरियड के पहले से शुरू हो गई है, जबकि ये वाली फाइनेंशियल पीरियड के एंड के बाद ही शुरू होगी जब अकाउंट्स बन जाएंगे, तो ये हमारी कौन सी है, फाइनल ऑडिट या पीरियोडिक ऑडिट।
नेक्स्ट हमारे पास है इंटरिम ऑडिट। नाम से पता लग रहा है इंटरिम ऑडिट क्या है। देखो इंटरिम ऑडिट साल के बीच में होती है। अब देखो हर कोई जानता है 2019-2020 अकाउंट बनेंगे, यहाँ एक फाइनल ऑडिट होगी, यहाँ एक फाइनल ऑडिट होगी, बट अगर हमने इसके बीच में कोई ऑडिट करा दी तो वो इंटरिम ऑडिट है। सिंपल, बड़ी बड़ी कंपनीज जो बीच में मोटा पैसा कमा लेती हैं उनको डिक्लेयर करना होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कॉमर्स वाले बच्चे थोड़ा सा ये चीज़ समझते हैं, और यार मैं समझता हूँ आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो यार आपको पता तो होना चाहिए इंटरिम ऑडिट, इंटरिम डिविडेंड। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं क्योंकि फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि साल के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो होता है आपका इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड क्या देख के डिक्लेयर होगा? ऑब्वियसली कमाई। अब कौन सी कमाई? जो हमने कमाया है। इंटरिम अकाउंट से पता लगेगा कि कितनी कमाई हमने कमाई है, साल के बीच में कितना पैसा हमने कमाया है, उसी के अकॉर्डिंगली तो आप डिविडेंड दोगे ना। तो डिविडेंड देने के लिए इंटरिम अकाउंट्स बनाने हैं, और उस अकाउंट्स की ऑडिटिंग भी ज़रूरी बन जाती है, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तीन महीने के अकाउंट की ऑडिट करवा ली, छः महीने के अकाउंट की ऑडिट करवा ली। यहाँ पूरे साल की बात नहीं है, साल के बीच में ऑडिट करवा ली पार्ट ऑफ ईयर के लिए, तो वो ऑडिट कहलाई आपकी इंटरिम ऑडिट मेरे दोस्तों। सो इसे कुछ एडवांटेजेस हैं? हाँ जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि दिस ऑडिट हेल्पफुल व्हेन द पब्लिकेशन ऑफ इंटरिम। ऑब्वियसली जब आपको इंटरिम इन्फॉर्मेशन पब्लिसाइज करनी है तो वहाँ ये एडवांटेजेस इसके बन जाते हैं। और इंटरिम ऑडिट के अंदर फाइनल अकाउंट्स को भी एक ईजी हो जाता है फाइनल अकाउंट्स को बनाना और फाइनल अकाउंट्स को प्रेजेंट करना, क्योंकि फाइनल अकाउंट से पहले एक दो बार ऑडिट हो चुकी हैं। एक बात बताओ, चलो एक सारी बात छोड़ो यार, सारी बात छोड़ो, आप सभी क्या हो, फाइनल ईयर में हो, ये बात आप रिलेट कर सकते हो। बहुत अच्छे से रिलेट नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि सर हमने तो रिलेट नहीं किया, और जिन्होंने रिलेट किया वो कमेंट करके बताना सर हमने रिलेट की थी ये बात। आप सबको देखो फर्स्ट ईयर में पता लग जाता अगर कि यार जो है ग्रेजुएशन में अगर हम थोड़ा बहुत भी पढ़ लें तो अच्छे नंबर आ सकते हैं, ट्वेल्थ में इतनी मेहनत की तब जाके हमने 80-85 90-95 स्कोर किया, ग्रेजुएशन में उतनी मेहनत हम नहीं करते ये बात हर कोई अंदर से जानता है। लेकिन अगर हमने ट्वेल्थ में जो मेहनत किया उसकी आधी भी मेहनत कर ली होती तो शायद क्या होता, शायद क्या होता, हम ग्रेजुएशन की अब तक अच्छी परसेंटेज सिक्योर कर चुके होते, 60-65 की एवरेज बन रही होती हमारी। अब आप फाइनल ईयर के अंदर एफर्ट डाल रहे हैं, अच्छी बात है, डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना टाइम आ चुका है, लेकिन अभी खैर क्या कहें, जो भी है एफर्ट डालिए। बट अगर आपको ये बात फर्स्ट ईयर में किसी बड़े ने, किसी समझदार बंदे ने बताई होती कि बेटा अभी से पढ़ ले, तो शायद आप ये चीज़ क्या कर पाते, कंट्रोल कर पाते और अच्छे से पढ़ पाते, जो अभी तक आपने स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। देखो जो भाई बहन मेरे पढ़ रहे हैं अच्छे से उनके लिए तो ठीक है, अब जिनको एम कॉम में एम बी ए में एडमिशन लेना है उनकी परसेंटेज नहीं बन रही 60-65%, उनको ये साथ ये बात हिट करेगी उनको जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर बीच में आपकी आपकी गलती आपको बता दी जाए ना कि आगे चल के दिक्कत आएगी, तो आप शायद जब बिल्कुल अंत समय आएगा उससे पहले पहले आप अपने आप को तैयार कर चुके होते अच्छे से। अब थोड़ा सा खैर मुश्किल हो रहा होगा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इंटरिम ऑडिट यही काम करती है, आपको साल में बीच में एक बार हिट कर देती है, आपको एक बारी अलर्ट कर देती है, जिससे आप अपने आप को क्या करके चलते हैं, ठीक करके चलते हैं स्टार्टिंग से ही। और इंटरिम ऑडिट इस तरह से आपको फाइनल अकाउंट के टाइम पे, फाइनल ऑडिट के टाइम पे हेल्पफुल हो जाती है, समझ रहे हो। सो एरर और फ्रॉड इजिली कंट्रोल हो पाते हैं साल के आखिरी में, एंड इसी तरीके से इंटरिम ऑडिट इज परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर, और इस तरह से ये मोरल चेक हो जाता है किनका, स्टाफ का, कि स्टाफ सही हैं गलत हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अगर गलत भी हैं तो ठीक हो जाएंगे फाइनल अकाउंट्स के समय तक, नहीं हुए तो उनको पता है फिर दोबारा ऑडिट होगी, पकड़े गए तो गड़बड़ होगी और अब उनको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ग्रेटर पॉसिबिलिटीज हैं कि भैया साल के बीच में इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया जाए। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ऑल्टर कर दिया जाए जैसे कॉन्टिन्यूस ऑडिट में होता है। एंड इंटरिम ऑडिट इन्वॉल्व्स एडिशनल वर्क एज द ऑडिट स्टाफ विल हैव टू प्रिपेयर नोट्स आफ्टर फिनिशिंग द इंटरिम ऑडिट, तो इसमें और एक्स्ट्रा काम पड़ जाता है दोनों के लिए, ऑडिटर के लिए भी और हमारे अकाउंटिंग स्टाफ के लिए भी, क्योंकि भैया आप साल में दो बार ऑडिट होगी ना, बीच में भी होगी और फाइनल में भी होगी। अच्छा कुछ फर्क है कंटिन्यूअस और इंटरिम में? जी हाँ फर्क है। कंटिन्यूअस तो देखो हमने पूरे साल का ठेका ले लिया कि वो करना ही करना है, इंटरिम क्या है अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, जब जरूरत हो हम तब करा सकते हैं, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। जबरदस्ती नहीं है यार इंटरिम ऑडिट में, जबरदस्ती नहीं है कि ऑडिट करानी करानी है। उसके अलावा अंडर कंटिन्यूअस ऑडिट वेरिफिकेशन ऑफ असेट लायबिलिटी इज डन एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही सारी असेट्स और लाइबिलिटीज वेरीफाई होती हैं, होता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है हर चीज़ को वेरीफाई करना, बट इंटरिम ऑडिट में हम ये क्या करते हैं, द वर्क इज डन एट द टाइम ऑफ ऑडिट, ऑडिट के टाइम पे ही होता है, तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोनों में। दूसरा तीसरा है व्हेन कंटिन्यूअस ऑडिट इज डन ट्रायल बैलेंस इज नॉट टू बी प्रिपेयर्ड नेसेसरली एट इंटरवल्स। ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस हम सब जानते हैं साल के आखिरी में बनता है, लेकिन इंटरिम ऑडिट क्या होती है, ट्रायल बैलेंस उस टाइम हमें बनाना पड़ता है। कंटिन्यूस अगर हो रही है ऑडिट, बीच में कहाँ ट्रायल बैलेंस बनेगा, बट इंटरिम के केस में तीन महीने, चार महीने का जो भी होगा, छः महीने की ऑडिट, उसमें ट्रायल जरूरी होता है। एंड ऑडिटर हैज़ टू गिव द रिपोर्ट एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हेन कंटिन्यूस ऑडिट इज डन।
फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंटिन्यूस ऑडिट की सारी रिपोर्ट्स क्या होती हैं, एक तरह से अनेक्स्ट होती हैं, चेक्ड होती हैं एंड सच और उसके अलावा इन केस ऑफ इंटरिम ऑडिट सच अ रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ऑडिट। ये उसी टाइम सबमिट होती है जब इंटरिम ऑडिट हुई है, फाइनल में इसकी कोई जरूरत नहीं, फाइनल में अपनी फाइनल ऑडिट चलेगी। और बाकी चार ऑडिटिंग जो है वो काफ़ी छोटी छोटी सी हैं, सिंपल सी। शुरुआत की तीन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा यार, ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग को लगता है कि मेरी वीडियो 6-6, 7-7, 8-8 मिनट 10-10 मिनट की हो और पूरे पूरे टॉपिक कवर करवा दूं, यार एक बात बताओ, कॉलेज के भी लेक्चर होते हैं एक एक घंटे दो दो घंटे के होते हैं, कितना टॉपिक करवाते हैं उसके अंदर आप भी जानते हो, समझ रहे हो। अब आप यहाँ पे अगर 30 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का ये लेक्चर अगर आप इसमें देखने में आपको तकलीफ है तो ऐसे कैसे कोर्स होगा आप लोगों का, बताइए। और ऑडिटिंग एक इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फाइनल ईयर के अंदर कंपलसरी आपके मार्क्स इससे बढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ यार 30 से 40 मिनट का अगर लेक्चर बन भी रहा है तो क्यों उसमें आप आलस कर रहे हो, पूरा लेक्चर देखो मेरे दोस्तों, ये आप लोगों के लिए ही है। बहुत मेहनत से एक एक चीज़ टाइप किया है, एक एक चीज़ के ऊपर करेक्शन किया है, एक एक चीज़ बोल्ड करके, इटैलिक्स करके, साफ सुथरे तरीके से आपको प्रेजेंट किया है, तो ये मेहनत लगती है, आप इसको पूरा लेक्चर को देखो, ये आप लोगों के लिए है। और अगर बेनिफिट मिलता है तो लाइक करो, नहीं मिलता मत करो यार लाइक, कोई दिक्कत नहीं है, मिले तो यार दिल से लाइक करो, दिल से करो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या कह रहा है, ओकेजनल ऑडिट। ओकेजनल ऑडिट क्या होती है, एन ऑडिट विच इज़ कंडक्टेड ओकेजनली, जो कभी कभार की जाती है, जब जरूरत पड़ेगी तब कर ली, जब नीड अराइज होगी तब कर ली, है ना। तो आप कह सकते हैं द ऑडिट इज नॉट कंपलसरी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, ये जब जरूरत होगी तभी, क्योंकि हमें पता है ना यार पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है ये, तो ये कभी जरूरत पड़ गई तो ठीक, नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसी ऑडिट हो गई आपकी ओकेजनल ऑडिट। नेक्स्ट है पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, बीच में कुछ एक आध इन्फॉर्मेशन ऐसी है हमने जो सिर्फ वही चेक करनी है, क्यों, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन पे ऑडिटर बहुत मेक श्योर है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑडिटर में भी इंस्ट्रक्टेड टू ऑडिट ओनली द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, उसे कहा गया भैया तू पेमेंट साइड चेक कर ले, क्योंकि जो कैश और चेक्स की वैल्यू थी वो ऑडिटर ने खुद ही रिसीव की थी, तो भैया उसके लिए तो वो श्योर है कि कोई दिक्कत नहीं है। सच एन ऑडिट इज नॉट परमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज पब्लिक कंपनीज में आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करानी पड़ती है ऑडिट, क्योंकि भैया वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में तो वैसे ही पैसा पब्लिक का लगा होता है। अगला है बैलेंस शीट ऑडिट। इसके अंदर जितने भी बैलेंस शीट में आने वाली आइटम्स है, नाम से लग रहा है पता मेरे दोस्तों, कैपिटल, रिजर्व्स, एसेट्स, लायबिलिटीज़, उसकी ऑडिट होती है। जो आइटम्स होती हैं आपकी कौन कौन सी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो बैलेंस शीट में आनी है वो भी चेक होती हैं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट आइटम्स जो क्रेडिटर से रिलेटेड हैं, इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं वो भी क्लोजिंग स्टॉक में बनेंगी बैलेंस शीट में, तो वो सब इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैलेंस शीट से रिलेटेड है वो सब चेक होती हैं। ऐसी ऑडिट यूएस में काफ़ी पॉपुलर है। उसके अलावा है कैश ऑडिट। कैश ऑडिट नाम से पता लग रहा है, कैश ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं, कैश ऑडिट के अंदर हम कैश ट्रांजेक्शन्स को ही कंसिडर करते हैं। और ऐसी ऑडिट यू में ऑडिट कैश टू इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कैश रिसीव, कितना कैश आया और कितना डिस्पर्स हुआ, कितना कैश गया, ऐसी ऑडिट कहलाती है आपकी कैश ऑडिट। तो अगला है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट ये GJG ठीक की करके ये डेफिनेशन है जो मैंने आपके सामने यहाँ प्रेजेंट की है। तो कॉस्ट ऑडिट क्या है, वुड अपेरेंटली मीन्स सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है वो समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बुक्स होती हैं कि कॉस्टिंग कैसे निकाली जा रही है, कॉस्टिंग निकालते समय ठीक तरीके से कॉस्टिंग की जा रही है नहीं की जा रही, हालांकि कॉस्टिंग मैं भी पढ़ाता हूँ अपने जो अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास आते हैं इसके बैचेस, तो कॉस्टिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है, कॉस्ट शीट चेक की जाती है, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई अननेसेसरी कॉस्ट ले तो नहीं रखी, या कोई कॉस्ट ली जानी चाहिए बट वो दिखाई नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं कर रखा, अंडर वैल्यू कॉस्ट तो नहीं कर रखी, वो सब चेक की जाती हैं। और ये देखा जाता है कि अप्रोप्रिएटनेस, कॉस्ट अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है बिजनेस के लिए या नहीं है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हम बेसिकली करेंगे, ये पूछा जाता है। सो ये देखा जाता है इसमें, एक तो सबसे पहला अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कि प्लस माइनस की कोई गलती तो नहीं है, दूसरा देखा जाता है मैनेजमेंट इस तरीके से प्रोडक्शन जो कॉस्ट वेरिएशंस, देखो हम सभी जानते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सीधा सीधा हिट करती हैं कॉस्टिंग के डिसीजन लेने के लिए, और जो बेसिकली मैनेजमेंट लेता है, तो मैनेजमेंट को एक तरह से हेल्प मिल जाती है, मैनेजमेंट माइंड से एक तरह से एकदम सिक्योर हो जाता है, हाँ मैं जिस अकाउंटिंग के बेस पर डिसीजन ले रहा हूँ वो अकाउंटिंग बिल्कुल ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है, और कोई गलती होगी तो ऑफकोर्स वो डिटेक्ट हो जाएगी, और आप कॉस्टिंग को कंट्रोल कर पाएंगे, कॉस्ट डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग कर पाएगा कॉस्टिंग की अच्छे से, और मटेरियल, लेबर और मशीन्स और ओवरहेड्स के आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उस चीज़ को आप जज कर पाएंगे और उस चीज़ को आप प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाएंगे। हाँ जी, तो ये था हमारा लेक्चर ऑडिटिंग का, ऑडिटिंग का लेक्चर नंबर 2।
ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आऊँगा, अराउंड 10 के करीब वीडियोस आएंगे ऐसे जिसमें हमारा ऑडिटिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आज हमारा दूसरा लेक्चर आया है, तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले इन 8 दिनों में ये रेगुलर बेसिस पे आपको बाकी वीडियोस प्रोवाइड करा दूँ, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम जुलाई से स्टार्ट हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स जितने भी हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। वेल, एम करते हैं इस वीडियो के लिए 15 लाइक्स के लिए। आप 15 लाइक्स कर दीजिए यार, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर हम आगे अपना बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 की। तो आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तरुण अनेजा क्लासेस, और उस बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।